राज कब होगा बस KGF 2 में एक ही सीन। KGF चैप्टर 2 सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है जो 100 करोड़ के बजट में बनी है। फिल्म में यश मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वो फिल्म में राजा कृष्णप्पा बोरिया और रॉकी भाई की भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म में यश के साथ साथ प्रकाश राज भी एक सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले हैं। प्रकाश राज पहली फिल्म KGF का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगली कड़ी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते नजर आएंगे। अधिकांश फैंस ने सोचा था कि प्रकाश राज ने अनंत नाग के किरदार को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन प्रशांत नील ने सभी अफवाहों की गलत साबित करते हुए विजेंद्र इंगली के राज को किरदार में इंट्रोड्यूस कराया। प्रकाश राज एक काफी अच्छे एक्टर है। उन्होंने इस बात को काफी बार अपनी फिल्मों की परफॉर्मेंस से प्रूव किया है, जहां ऑडियंस का खूब प्यार मिला। जब उनके किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या फिल्म में उनका एक गेस्ट अपीयरेंस है या फिर वो होंगे फिल्म का एक बड़ा हिस्सा। अब उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि वो फिल्म में एक बड़ा रोल निभाएंगे, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रकाश राज का किरदार फिल्म की कहानी में काफी इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम काफी कम होने वाला है, और इस बात को हाल ही में KGF 2 के सभी एक्टर्स की फीस लिस्ट ने प्रूव कर दिया। जहां एक तरफ फिल्म के काफी एक्टर्स ने करोड़ों में फीस चार्ज की है, वहीं इस फिल्म के लिए प्रकाश ने फीस के तौर पर 80 to 82 लाख रुपीज लिए है। सपोर्टिंग एक्टर्स के लिए फीस औसत दर्जे की होती है, और इससे एक बड़ी वजह यह है कि फिल्म में वो बस एक ही सीन में दिखने वाले हैं। बता दें कि KGF चैप्टर 2 में प्रकाश राज के अलावा श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल्स दिखाई देंगे। फिल्म के लिए संजय दत्त ने काफी मेहनत की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में स्टार्टिंग में संजय दत्त की बॉडी डबल का यूज किया गया था। अक्सर स्टंट्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दरअसल जब KGF 2 फिल्म के मेकर संजय दत्त के ठीक होकर लौटने का इंतजार कर रहे थे, तभी उनके बॉडी डबल का फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, ताकि फिल्म की शूटिंग में कोई रुकावट न आए और फिल्म की शूटिंग चलती जाए। संजय दत्त फिल्म के विलन अधीरा का किरदार निभाने वाले। खैर, हम तो फिल्म में संजय दत्त को देखने के लिए काफी एक्साइटेड, और अगर आप भी उनको देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।